I'm just a note to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears that you dream of will disappear and flatter. चैनल एनाटॉमिक राइडर। सो आई होप कि आप लोगों को मेरे सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे जो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाले थे, बट अगर नहीं भी आए तो अभी उसका कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू बिहेव विद इट। ओह माय गॉड, वाओ, क्योंकि अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो बाहर हम जा नहीं सकते। सो टॉपिक पे आते हैं। जैसा मैंने पोस्ट में बताया था कि मेरी बाइक में जितनी भी लोडिंग्स लगी हुई, जितनी भी मॉड्स हैं, उन सबके बारे में मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा। मैंने कहाँ से मंगाई और क्या प्राइस लिस्ट थी सबके बारे में बताऊंगा। मैं सारी चीज़ एंड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ पर आते हैं, ये है डबल बबल वाइज़र। इसका काम सिर्फ इतना है कि एरोडायनामिक्स थोड़े से इन्हांस कर देता है। दूसरा, हाईवेज़ पर आपको विंड ब्लास्ट काम आते हैं, और ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। थोड़े से लुक्स भी अच्छे हो जाते हैं इससे। दूसरी चीज़ है विंगलेट, ये भी सिर्फ लुक्स के लिए है, इसका कोई काम नहीं है। जो लिटिल क्लास में जिन बाइक्स के विंगलेट्स आते हैं, लाइक कावासाकी ZX10R, S1000RR, उसमें विंगलेट्स का काम होता है, इस बाइक में सिर्फ लुक्स का काम है। तीसरी चीज़ है इंटीग्रेटेड मिरर इंडिकेटर्स, ये थोड़े से काम की चीज़ है लुक्स में भी, और वैसे भी ये हाईवेज़ पे काफ़ी काम आते हैं, ये बाइक की विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो एज यू कैन सी, अभी मैंने इसका हैज़ार्ड ऑन किया हुआ है तो चारों इंडिकेटर चल रहे हैं, तो ये हाईवे पे काफ़ी काम आते हैं। फिर आते हैं हमारे ये रेड कलर के एंजल लाइट्स, ये भी मैंने एज ए सिर्फ लुक्स के लिए लगाई थी, इनका कोई ज़्यादा कोई मेन पर्पस नहीं है, ठीक है, लुक्स गुड। फिर आते हैं हमारे ये लीवर प्रोटेक्टर्स, ये बाइक के क्रैश के टाइम में सही काम आते हैं। मेरी एक बार बाइक लेफ्ट साइड से क्रैश हो रखी है और इन्होंने पूरा झेल लिया था, हैंडल इस पर लीवर पे कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे हल्का सा घिसा हुआ है, ज़्यादा बड़ा मेजर क्रैश नहीं था, नॉर्मल सा था। और रिसेंटली मैंने अभी बाइक में ये कार्बन फाइबर रैप किया था साइड पैनल्स पे, इतना अच्छे से हुआ नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी एयर आ गई, इधर आ गई, यहाँ पे टेपिंग थोड़ी सी निकलने लग गई है, उस साइड भी गया था, इधर से भी काफ़ी ज़्यादा एयर आ गई है, यहाँ पे भी है। ये मैं जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी कोरोना की, उसके बाद में जाके इनको सही करवाऊँगा। और ये है सबसे मेन चीज़, काफ़ी बड़ा मॉड, ये है एक्रापोविच स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। ये मुझे लगवाए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। मैंने इसमें अभी तक कैटलेटिक कन्वर्टर लगा रखा है, हटाया नहीं था, बीच में हटा दिया था जब मैंने लगवाया था, मैंने वापस इंस्टॉल करवा दिया था। अगर आप इसको हटाएंगे तभी आपको वो छपरी वाला साउंड मिलेगा। फिर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हमने लगा रखा है टेल टाइडी, इसकी जो मेन लाइट थी वो पूरी निकल के यहाँ पे टेल टाइडी इजीली फिट हो जाती है। यहाँ पे 2 स्क्रूज हैं इनके अंदर, वेट भी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे मैंने एक अलग से ये लाइट मंगाई थी बैंगोड से, टेल लाइट, और ये इंस्टॉल करवाई है। ये फुल्ली LED लाइट है और इसकी विजिबिलिटी भी एकदम सही है। नेक्स्ट आता है हीटिंग ग्रिप्स, ये है हीटिंग ग्रिप्स, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक वायर जा रहा है। सो होता ये है कि ये रबड़ कवर है और इसके अंदर की तरफ है ग्रिप्स। जब आप ये मैंने विंटर्स में चलाई थी, विंटर्स में काफ़ी सही काम की चीज़ है ये, जब बाइक चलाते हैं विंटर्स में मॉर्निंग में, तो ये आपके यहाँ से ग्रिप्स को पूरा गर्म कर देता है, आपके हाथ आपका पाम पूरा गर्म रहता है इसमें, बट ये ख़राब हो गई है। अब ये क्यों ख़राब हुई मुझे रीज़न नहीं पता, मे बी या तो पीसमेंट कोई दिक्कत थी, या फिर क्या, मैंने यहाँ पे इसको रबड़ से भी
वाटर प्रूफ बना रखा था, इस साइड से नहीं कर रखा था, मे बी वॉशिंग के टाइम में यहाँ से पानी गया है और ये ख़राब हुई है। लास्ट 1 मंथ चल पाई थी, उसके बाद में ये ख़राब भी पड़ी है। मे बी यहाँ से दिखा पाऊँ, इसके बारे में भी एक अच्छे से डिटेल रिव्यू में एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए तो इसको मैं से आपको शो नहीं कर सकता, वैसे ही ख़राब है ये। सो दैट्स इट गाइस, बाइक के अंदर इससे ज़्यादा कोई लोडिंग नहीं है, सिर्फ इतना ही काम है। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद में मैंने 2-3 चीज़ें सोच रखी है इसके अंदर, मेरे को थोड़ा सा पेंट वगैरह कराना है लुक्स को लेके, अलॉयस को और साइड बॉडी रैपिंग्स, ये सब करवाऊंगा मैं। और ये है मेरी दूसरी बाइक, दिस इज ओल्ड स्कूल, ये है रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 1999 मॉडल। इसका गियर सिस्टम उल्टा है, इसमें गियर यहाँ पर है, इसमें गियर उस साइड होता है, इसमें राइट साइड है, नॉर्मल बाइक्स में लेफ्ट साइड में गियर होता है और इसके लेफ्ट साइड में ब्रेक पैडल है। इसके बारे में भी एक डिटेल रिव्यू बनाएंगे। दिस इज दी बाइक, सो दैट्स इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।